अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमने स्टार्ट किया था ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस, मतलब के किसी भी इंजरी या वोंड जख्म को हम किस तरह साफ़ करेंगे और हम किस तरह उसके पट्टी चेंज करेंगे। तो उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग, कि कितने किस्म के ड्रेसिंग हैं, हम कितने किस्म के पट्टियाँ कर सकते हैं। Use commercial dressings whenever possible. Dressings used is the most first aid situations are commercially preferred. Dressing जो है ये first aid का ये एक अगर हम कहें कि fundamental line है, एक first point है first aid का, तो इंतहाई अहम होगा। और इसके कुछ different types है फिर dressings के, कि first aids में हम कौन कौन से dressing कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, फर्स्ट एड क्या है। फर्स्ट एड वो ट्रीटमेंट होता है कि अचानक किसी को इंजरी हो गई, अचानक कोई एक्सीडेंट हुआ, तो उसको फर्स्टली जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। अब टाइप्स पढ़ते हैं, तो फर्स्ट नंबर टाइप है गॉज ड्रेसिंग। These are used for small wounds. They come in separately wrapped package of various size, that is 2 inch by 2 or 4 inch by 4, and are sterile. Gauze pads आते हैं जो small जख्म होते हैं उसके लिए होते हैं, और packages आते हैं, packets आते हैं और कपनी से ही काट के आते हैं, 2 by 2 inches के आते हैं और 4 by 4 inches के आते हैं। लेकिन ये है कि स्टीराइल होने चाहिए, साफ होने चाहिए, ये ना हो कि कंटेमिनेटेड गाज हो। एडहेसिव ड्रेसिंग, दिस ड्रेसिंग कंसिस्ट ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी सपोर्टेड बाय 3 to 4 लेयर ऑब्जॉर्बेंस गाज आर सेल्यूलोज। अब एडहेसिव ड्रेसिंग्स को कंसेप्ट में रखना है कि ऐसे जहम होते हैं जिसके ऊपर हम पट्टी बांध नहीं सकते, तो उसमें फिर ऐसे मटेरियल या ऐसे सब्सटेंसेस हमने यूज़ करने होंगे ड्रेसेस में कि वो एडहेसिव, वो उस जख्म के साथ या इर्द गिर्द एरिया के साथ चिपक जाए। तो ये एडहेसिव ड्रेसिंग में प्रॉपरली हम पीवीसी यूज़ करते हैं, पॉलीविनाइल्स क्लोराइड्स या सेल्यूलोज यूज़ करते हैं। ये इस गाज के अंदर प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये उस वॉन्ड्स के ऊपर एडहेसिव हो जाते हैं, चिपक जाता है। नॉन एडहेसिव ड्रेसिंग, दीज आर स्टरलाइज ड्रेसिंग्स कंसिस्टिंग ऑफ लेयर्स ऑफ गॉज सपोर्टेड बाय अ पैड ऑफ कॉटन वूल एंड दे आर नॉन ए स्टैंडर्ड ड्रेसिंग एंड आर ऑफ स्मॉल मीडियम एंड लार्ज साइज। नॉन एडहेसिव ड्रेसिंग ये भी स्टरलाइज गॉज होते हैं जिसमें डिफरेंट लेयर्स होते हैं, कॉटन वगैरह या वूल्स के होते हैं, लेकिन ये नॉन एडहेसिव होते हैं, मतलब कि इसमें कोई ऐसा चीज़ प्रेजेंट नहीं होता है जो जख्म के साथ चिपक जाए। ट्रामा ड्रेसिंग, दीज आर मेड अप ऑफ लार्ज थिक एंड अब्जॉर्बेंट मटीरियल स्टराइल मटीरियल। ट्रामा ड्रेसिंग्स जो होता है ये लार्ज होते हैं और अब्जॉर्ब होते हैं, मतलब कि कोई भी जख्म हुआ हो, कोई उससे लीकेज हुआ हो, सिक्रेशन हुआ हो या कोई भी ब्लड होता है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अब्जॉर्ब करता है, और ये स्टीराइल होते हैं, ये भी कंटेमिनेटेड नहीं होते। इमरजेंसी ड्रेसिंग, दीज आर नॉन स्टीराइल ड्रेसिंग एंड दीज ड्रेसिंग्स कैन बी मेड अप ऑफ एनी क्लीन सॉफ्ट अब्जॉर्बेंस मटीरियल सच एज कॉटन क्लॉथ आर हैंडकर चीफ एक्सेट्रा। इमरजेंसी ड्रेसिंग में क्या होता है कि ये वो ड्रेसिंग होता है, ये एक क्लीन किस्म नुमा के चीज़ होती है, सॉफ्ट होते हैं, जिसको हम कॉटन्स भी कह सकते हैं, या एक वो आते हैं गॉस की पट्टियाँ आती है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या कॉटन क्लॉथ होता है कि किसी भी जख्म के ऊपर हम लगा सके। बैंडेजेस, अ बैंडेज इज अ स्ट्रिप्स ऑफ वूंड्स मटेरियल्स यूज्ड टू होल्ड अ वूंड्स ड्रेसिंग आर स्प्लिंट्स इन अ प्लेस। और बैंडेजेस क्या होते हैं, ये एक स्ट्रिप नुमा
चीज़ होती है जो हम जख्म्स के ऊपर रख सकते हैं कि उसका जो पीप होता है या वो ब्लड पे आया हो वो अब्जॉर्ब करे। अब इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इट्स यूजेस होते हैं सॉरी, इट्स होल्ड एड्रेसिंग प्लेस और ओपन वोंड, और ओपन वोंड मतलब के कोई ऐसा जख्म है जो बिल्कुल कट लगा हुआ है तो गोश्त उस जगह से रिमूव हुआ है तो उसके ऊपर अगर हम पट्टियाँ लगाएंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा, तो उसके ऊपर हम ये बैंडेज रखते हैं, फिर बैंडेज के ऊपर हम पट्टी करते हैं। इस अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर और एड्रेसिंग टू कंट्रोल ब्लीडिंग, और ये गास पैड होते हैं हम किसी भी ब्लीडिंग जगह पे ऊपर रख के ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए या स्टॉप हो जाए। एट प्रिवेंट एंड रिड्यूस स्वेलिंग्स, और ये कम करता है स्वेलिंग को, सूजने को। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी फॉर एक्सट्रीमिटी और जॉइंट्स, और ये हमारे जो एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं मतलब कि उंगलियां वगैरह होते हैं या जॉइंट्स होते हैं तो इसमें ये ज़्यादातर सपोर्टिव चीज़ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंडेजेस। Thank you.